अभी होटल का अच्छा था सीन, तो देखते हैं अभी कैसा जाता है कि नहीं जाता। बनारस हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एंशिएंट सिटीज में से एक। हिमालय से बहती हुई रिवर गंगा बनारस से होकर गुजरती है। वाराणसी अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही जानी जाती है। सिर्फ हिंदुइज्म ही नहीं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब रिलीजन्स की स्पिरिचुअल वैल्यूज होल्ड करती है ये सिटी। तो चलिए चलते हैं उसी स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने और गंगा माँ के दर्शन करने। लेट्स गो। वाराणसी के लिए निकलने वाले थोड़े टाइम में, ये पूरा मतलब डुओ ट्रिप होने वाला है। मैं और मेरे चाचा रामा चाचा वो निकलने वाले हैं। तो अभी बस के लिए रुके हुए हम लोग, और अभी हम लोग इधर टीडी कॉलेज के इधर है। तो देखते हैं अभी बस आ रहा है और थोड़े टाइम में अपन निकलेंगे यहाँ से, और आपको मैं ईच एंड एवरी डिटेल दूंगा वाराणसी कैसे जाए और किधर से जाए। तो वो जाते हैं। स्टेशन पे आ गए, यहाँ से अपन अभी निकलेंगे घाट के इधर। घाट के इधर जाते हैं और उधर आपको मिलते हैं। वहाँ पे अपन लिटरली कैप्टन बन के जाओगे क्या? बात कर रहे ना, बज रहे हैं 3, हम लोग निकले थे 1 बजे। और इधर ऑटो के साथ आ गए मामा, मामा ज्वाइन करेंगे अपने को। ₹600 में रूम मिला है, डबल बेड। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी होटल से। सब बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी, मुंह खोल बैठो। तो हम लोग सब लोग ने अपना सामान रख दिया होटल में और हम लोग इधर से निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं घाट पे। उधर हम लोग अभी हो रहा है 14°C, और 14°C में हम लोग सब लोग पानी में उड़ी मारने वाले, इतने गर्ट है सब में। तो आप हमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world. Literally एकदम ऐसा लग रहा है कि फुल एंशिएंट जगह पे आ गए, मतलब पूरा एक एंशिएंट टच दिया हुआ है यहाँ के जगह को। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो। ऐसा लग रहा है फुल अपन ऐसा एंशिएंट जगह पे आ गए। जैसे मैं गंगा घाट के इधर पहुंचा, मुझे ऐसा एक पॉजिटिव एनर्जी टाइप फील हुआ। यहाँ पे लोगों के मन में लॉर्ड शिवा के लिए एक इमेंस डिवोशन है, और ऐसा कहा भी जाता है कि ये पूरा वाराणसी सिटी लॉर्ड शंकर की देन है। सामने मतलब ऐसा डेजर्ट टाइप लग रहा है, अपना जूह चौपाटी टाइप ही लग रहा है मेरे को, तो क्योंकि उसका पानी सॉल्टी नहीं है। पर अभी बोट राइड भी करेंगे थोड़े टाइम में और जाते। गाइस अभी सीन क्या हुआ, ऐसा हुआ है कि इधर 4 बजे तक ही नहाने को देते, तो भाई पुलिस से थोड़ा सेटिंग लगाया और उन्होंने बोला कि थोड़ा आगे जाते और उधर जाके थोड़ा डुबकी लगाते अपन और जाते हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो 4 बजे से पहले आओ, अगर आपको यहाँ पे स्नान वगैरह कुछ करना है तो। बाबा भोलेनाथ करके उड़ी मार ले। 14°C हो रहा है और डुबकी लगाने जा रहा हूँ मैं, मामा का बाकी है। बेटा आगे मत जा। ग्लेशियर का पानी तुमसे ना हो पाएगा। गाइस फट गई है यूट्यूब, जो बनाने वाले का भांजी का हमारी उसका फटके हवा टाइट हो गई है। 5 डुबकी लगाना है बेटे, फट गई है उसकी। भाई बहुत ही ठंडा पानी था, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे डबल ठंडा पानी था। मतलब जब पहली बार गया वैसे ही मतलब लग गया था कि अभी लगने वाले, और 5 डुबके बाद तो मेरे को तो लग रहा है सर्दी का बुलावा है ये। हर हर महादेव। ये है भैया हमारे
जो हमें 80 घाट से लेके पूरा घाट घुमाएंगे। ये भैया अपने को 80 घाट से, 80 घाट से कौन कितना मणिकर्णिका घाट तक घुमाएंगे अपने को। ये है मोटर बोट। पहले यहाँ पे 7 लोग आरती करते थे, पर अभी इधर एक ही जन आरती करता है क्योंकि कोरोना रिस्ट्रिक्शंस लग गए यहाँ पे। यूपी में भी मतलब 4 बजे तक सब बंद हो जाता है। यहाँ पे जो आप पीछे देख, जो पीछे देख रहे हो, ये काशी विश्वनाथ का कौन सा घाट है ये प्रॉपर? ये गंगा सेवा घाट है। ये गंगा सेवा घाट है दशामृत घाट, और ये दशामृत घाट है। और भैया अपने को लेके जा रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत है भाई, मतलब रोइंग करना, मतलब कंटिन्यू 1 आवर का रोइंग करने वाले। भाई और एक स्पॉन्सर आ गए अपने इधर, पंजाब नेशनल बैंक, जो डूब गई है। क्या ये नाव डूबेगी? नहीं भाई, भारत के जितने क्षत्रिय सब महाराणा प्रताप के कुल के ही है, ये उनका नाम प्रताप। मेरे को इतना मालूम नहीं है, जितना रामा चाचा बोल रहे उतना सुन लो और बाकी का सब गूगल विकिपीडिया पे देख लो। शूटिंग हुआ था ये सब, इतना डालूंगा तो हो गया। हर एक कार्ड का 1 मिनट 80। ये है हमारे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, झगड़ा होने लगता है मारपीट, इसलिए कोई नहाता नहीं है नारद घाट पे। अरे बाप, नारद जी का काम था लड़ाने का काम। भाई इधर 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 गलती से भी कपल मत आना, नहीं तो झगड़ा होने लगे। मिल गया क्या भाई? ऐसा ही योग किया जाता है, पहले के जो योग करते थे सालों साल बीत जाता था योग करने में, 2 साल 3 साल। मामा आप भी करो, आपको अच्छी कन्या चाहिए, इसलिए आप भी इधर आके रोज बैठो। योग मुझे कन्या नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। अटे भाई ये सब इधर क्रिसेंट मून का शेप है इधर, तो लिटरली आप देख सकते हो। हर हर महादेव। गिर गया क्या? नहीं गया वो, क्या देखो ये यहाँ पे शंकर भगवान पार्वती स्नान करने के लिए आया था, शमशान भूमि में नहीं था। हाँ, लेकिन जब नहाते समय उनका मणि, शंकर भगवान का मणि और पार्वती के कान का कुंडल गिर जाता है नहाते समय, तो क्रोध में आए तो शंकर भगवान यहाँ पे श्राप दे देते हैं, जाओ जैसे हम तप रहे यहाँ पे ऐसे शमशान भूमि हो जाए। तो कछुए के रूप में विष्णु जी आते हैं, खोज के उनको देते हैं और कहते हैं प्रभु आपने ऐसा श्राप दे दिया, काशी में आएगा कौन? उन्होंने बोला मूस निकला वाड़ी तो वापस होगा नहीं, लेकिन जो भी यहाँ पे बॉडी आएगा सीधे स्वर्ग जाएगा। जो बॉडी लेके नहीं आ पाते हैं वो अस्थि लेते आते 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 हैं काशी पाने के लिए, ताकि उनको मुक्ति मिले। उनका महत्व ये है। किधर? मणिकर्णिका घाट है, बन जाएगा। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, लखनऊ फैजाबाद यहाँ वहाँ से। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जो देह संस्कार होते हैं वो सीधे स्वर्ग चला जाता है। इतना औसम था भाई, अब मुंबई में इतना बोटिंग का इतना एक्सपीरियंस मेरे को नहीं मिला है लिटरली। जो भी था जो एक्सपीरियंस, वो 1 और 2 घंटे का स्पैन बहुत ही मस्त था। तो अभी अपन थोड़ा फ्रेश होते हैं और जाते हैं टेंपल को। अभी जस्ट उठे हम लोग सब लोग और अभी प्लान कर रहे हैं कैसे क्या करने का है आज के दिन का। तो पहला तो आपको मालूम ही होगा नए वाले काशी विश्वनाथ, फिर उसके बाद सारनाथ। सारनाथ में एक जू है, शायद आप लोग सब पोल खोलने वाले मामा है ये। तो अपन आपको जाके बताते हैं वहाँ पे कैसा है क्या नहीं है, और फिर मिलते हैं थोड़े टाइम में। अभी हम लोग ब्रश का थोड़ा बंदोबस्त करते हैं और उसके बाद जाते हैं। ठीक है, चलो।
उधर कैसा है क्या नहीं है, और अभी होटल का अच्छा था सीन, तो देखते हैं अभी कैसा जाता है कि नहीं जाता। कैसा लगा प्रैंक आपको? Wait a minute. प्रैंक के चक्कर रोड दो रोड दो। कैसा लगा प्रैंक आपको? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं नहीं थर्ड पार्ट नहीं है। लाइफ में अगर कभी टाइम मिले तो वाराणसी जरूर विजिट करना, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। और अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, और बहुत अच्छा लगा रहेगा तो सब्सक्राइब करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।